सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक बैग को जो आया था जर्मनी से, लाया था आई बाज़ोका। एंड व्हाट वी आर रिव्यूइंग टुडे इज होल्स्टर टोबैको। होल्स्टर टोबैको का ये 200 ग्राम का बॉक्स है, इस टिन बॉक्स और हमने मंगाया है आइस फिंगर। व्हाट इज आइस फिंगर? बेसिकली रेस्पबेरी एंड सिट्रसी फ्लेवर। सिट्रसी फ्लेवर्स के रेंज में बहुत कुछ आ जाता है, इट लाइक लेमन वेमन जेस्टिनेस, टेंजरीन हो गया, ऑरेंज हो गया, बहुत अलग अलग टाइप के डाल देते हैं वो लोग सिट्रसी में। सो इट्स एब्सोल्युटली इनडेफिनेट कि कौन सा सिट्रसी फ्लेवर है इसमें। देयर कुड बी वाइड वैरायटी ऑफ सिट्रसी फ्लेवर्स एंड इट सेज रेसबेरी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने आई थिंक सो कपल ऑफ डेज अगो, काफ़ी दिन पहले लिया था। एंड लुक एट द डब्बा इनसाइड, इट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। हुकोबस ने पीपी के खत्म कर दिया है। हुकोबस इज लेट इन द रिव्यू ऑफ द होल्स्टर टोबैको ब्रॉट फ्रॉम आई बाज़ोका। व्हाई? बाकी डब्बे के बारे में बता दो, टीन मिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डब्बा है, ये बहुत काम आएगा, फेंकना नहीं पड़ेगा आपको मसाले वसाले के चक्कर में। तो व्हाई हुकोबस वॉज रिव्यू, बेसिकली व्हाई हुकोबस वॉज लेट इन रिव्यूइंग दिस पर्टिकुलर फ्लेवर विच इज द होल्स्टर टोबैको आइस फिंगर। तो जब मैंने इसको पहले पिया, सो इट्स अ जर्मन टोबैको, आपको तो पता है मैंने जर्मन टोबैको का रिव्यू किया था, विच इज़ द हुकेन। हुकेन जो भी वो एक जर्मन टोबैको है। सो जर्मन टोबैको वॉज लाइक वेरी वेरी न्यू इन ओवर हियर। वी हैव बीन स्मोकिंग रशियन टोबैको, सबको पता है रशियन टोबैको कैसे स्मोक करता है, उसका जो फील है, उसका जो अरोमा है, कितना है पोटेंट है, नहीं है, लाइट है, टोबैको कितना किक करता है, कितना नहीं करता है। वी ऑल्सो अवेयर ऑफ बेसिकली अबाउट द मिडिल ईस्टर्न टोबैको विच इज द मजाया ब्ला ब्ला ब्ला, रेबोशी, टर्किश, मिडिल ईस्टर्न साइड टोबैको, अल्फाकर, ये सब हमको पता है कैसे स्मोक करता है। यूएसए के ब्रांड्स भी स्मोक किए हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉन्ड होते हैं और डार्क, काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं, एंड कुछ कुछ डार्क इतने भी डार्क नहीं होते। तो वी ऑल इंडिया इज इन द सेंटर, एंड करंटली अगर आप सारे फ्लेवर खरीदते हो, लाइक इफ यू आर ऑन हाई बजट, सारे फ्लेवर खरीदते हो, तो यू हैव एक्सपीरियंस्ड मोस्ट टोबैकोस बेटर देन अदर इंडिविजुअल्स अराउंड द ग्लोब। सो जर्मन टोबैको जब आया तो जर्मन हुकेन वॉज गुड एंड बट उसका जो टेस्ट प्रोफाइल है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा आर्टिफिशियल लगा मुझे। तभी लेमन सिया का जो मैंने रिव्यू किया था, लेमन था बट नॉट एग्जैक्टली पोटेंट लेमन। दे हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेकिंग द फ्लेवर, सेम चीज़ इसमें है। दिस इज ऑल्सो जर्मन टोबैको, द होल्स्टर टोबैको। ये जब मैंने पहले पिया, जब मैंने एक बार ट्राई करके देखा, सो इट आई फाउंड अ लिटिल बिट बिटर ऑन द स्टार्ट। क्लाउड में पी रहा था बिकॉज ये ब्लॉन्ड लीफ है, तो बिटर मैंने, मतलब थोड़ा सा बिटर लगा मुझे। एंड आफ्टर लाइक आई वुड से कि आफ्टर 20-25-30 मिनट्स के आसपास, थोड़ा मिड सेक्शन में मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा। आई गॉट द सिट्रसी फ्लेवर, आई गॉट द रेसबेरी, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं आता है इसमें, रेसबेरी फ्लेवर आ रहा था मुझे, हल्का सा, बहुत ऐसा कोई प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं आ रहा था। एंड मोर ओवर इसमें जो आता है वो सिट्रसी एंड मेंथॉल आता है ज़्यादातर। तो सोचा था रिव्यू करूँ नहीं करूँ, बट ओवर द टाइम पी के इतना ख़त्म करने के बाद आई गॉट द टेस्ट, मतलब बोलते हैं ना कि एडजस्ट हो जाता है आदमी। सो न्यू काइंड ऑफ अ टोबैको, न्यू काइंड ऑफ मेकिंग प्रोसेस, शायद उनके यहाँ पे थोड़ा बिटरिश सिट्रसी। अब सिट्रसी का मतलब ऐसा नहीं बीज एकदम घिस घिस के डाल दिया, वैसा कुछ हुआ होगा। सो वॉट एवर इट इज़, इट्स अ वेरी वेरी हार्ड एंड फ्लेवर, एंड इट माइट टेक अ लिटल टाइम फॉर यू टू एडजस्ट टू दिस फ्लेवर प्रोफाइल, बट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया साउंड करेगा, मतलब बेसिकली टेस्ट करेगा और फील करेगा। जब मैं इसको कल पी रहा था, मैं इसको काफ़ी बार पिया, दैट्स व्हाई 200 ग्राम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। सो जब मैं कल इसको पी रहा था, तो इसका एक अलग ही वाइब बनता है जब आप पीते हो इसको। कैसे मैं बताऊँ आपको, अगर आपने कच्चा सुपारी चबाया है तो कैसे मुँह में थोड़ा ड्राइनेस हो जाता है और एक बहुत अच्छा फील देता है। ये टोबैको उस काइंड ऑफ फ्लेवर प्रोफाइल में आता है जो आपको एक रेजोनेंस फील देता है पीछे से, नॉट एग्जैक्टली यू नो। इनफैक्ट हुकेन भी ऐसा ही है, गुड ऑन स्मोक, दिस टोबैको इज एब्सोल्युटली गुड ऑन स्मोक। हुकेन भी था, ये भी है, कम हीट पे ज़्यादा स्मोक देता है, सो उस पार्ट में बहुत अच्छा है। मैंने पिया हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। एंड दिस इज नॉट वन काइंड ऑफ अ टोबैको दैट आप पी के ही आप पहले से इम्प्रेस हो जाओ, राइट? इट विल टेक सम टाइम, बट इफ़ यू आर स्मोकिंग जर्मन टोबैकोज ऑन अ रेगुलर बेसिस या बीच बीच में, देन दिस टोबैको विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। बिकॉज इंडियंस, हमारे अभी पैलेट बहुत अलग हो गया है उसका टोबैको का। वी आर एक्सपीरियंसिंग अ वाइड वैरायटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो थोड़ा दिमाग में एडजस्ट करने को टाइम लग सकता है। तो चलिए फिर मैं काम करता हूँ, आपको मैं डब्बे का
फ्लेवर निकाल के दिखाता हूँ और इसका फ्लेवर कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो टबैको जो है वो थोड़ा सा इसमें आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा है एंड द टबैको कट इज़ अ बॉक्स कट टबैको एंड थोड़ा सा फ्लफ करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसका जो टबैको है खड़ा नहीं होता, तो चॉप करना मस्ट है। चॉप करोगे तभी आप इसको उबला को या थोड़ा वाइड एंगल बोल्स जो होते हैं उसमें अच्छे से पैक कर पाओगे। इसको बहुत अच्छा एडवांस फ्लफ का ज़रूरत है, बहुत अच्छा। आपने मेरे हुकिंग वाले वीडियो में देखा तो कोई पता होगा कि बहुत अच्छी तरीके से आपको एडवांस फ्लफ करना पड़ता है बिकॉज जर्मन स्टाइल ऑफ मेकिंग टबैको इज़ लाइक दैट ओनली, बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि चम्मच से ही टबैको भरा जाता है, बट चम्मच से जो भरा जाता है वो टबैको कभी फ्लफ नहीं होता एंड इट इज़ लो ऑन परफॉर्मेंस। सो उनको बेसिकली उनका ही काम नहीं, उनको बेसिकली उनके टबैको या स्मोकिंग के, आई डोंट थिंक जर्मन्स आर वेरी गुड इन शीशा, लाइक यू कैन सी केवीएसएल एंड ऑल, आई डोंट फील दैट यू नो दे आर वेरी गुड, दे आर जस्ट बर्निंग टबैको एंड स्मोकिंग। सो अपन भी कैसा अपने इंडिया में आदत है ना लोगों को कि बाहर के लोग हैं तो बट ऐसा नहीं भाई, इंडियंस आर वेरी वेरी गुड इन एवरी फील्ड। सो ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, ओके, इवन इफ इट्स केफेज और एनी वैन, यू हैव टू यू नो लेवल अप योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर बेटर, इंडियंस आर फार फार बेटर देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड, एवरी वन नोज दैट। और इसको बहुत अच्छी तरह से आपको रीडिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा बाउल में एंड तभी ये फ्लफ दिखेगा। और मैं आज पीने वाला हूँ इसको बेसिकली फॉइल में, बिकॉज क्लाउड में काफ़ी पिया है मैंने, फॉइल में पीने वाला हूँ विथ 3 coals ऑन द टॉप। तो चलिए फिर मैं काम करता हूँ, कोल बिठा दिया मैंने, ऑलमोस्ट गर्म हो गया होगा एंड आई हैव पैक माई बोल, लेट मी शो यू, एंड आई पैक माई बोल इन दिस ब्यूटिफुल ब्लाको बेसिक बोल विथ परफेक्ट होल्स, 3 rounds ऑफ होल एंड छोटा छोटा बीच में, क्योंकि मैं इसको फॉइल में पीने वाला हूँ और मिडचिला में बेसिकली ये, और इसमें पी के देखने वाला हूँ कि कैसा टेस्ट करता है। ऑलमोस्ट क्या होगा जैसा था वही थोड़ा एनहांस टेस्ट आएगा, बट वंस अगेन आई एम सेइंग, वंस यू हैव डेवलप्ड द टेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ जर्मन टबैकोस लाइक हुकेन और होल्स्टर एंड ऑल, यू विल एंजॉय इट। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन अरोमा बट यू विल एंजॉय इट, एक्सपीरियंस के लिए तो पी ही सकते हैं। तो चलिए फिर मैं काम करता हूँ, अपना कोल रेडी हो गया रहेगा, मैं कल आके आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो हुका हो चुका है पूरी तरह से रेडी एंड व्हाट आई एम स्मोकिंग आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन दिस ब्यूटीफुल ओरिजिनल हाइब्रिड यूनियन स्लीक, बहुत महंगा लिया था मैंने, एंड ऊपर है ओब्लाको बेसिक बोल, अंदर डाला है मैंने होल्स्टर आइस फिंगर और ऊपर है 3 cocozeal cubes बिकॉज कोकोजील इज द बेस्ट इन इंडिया। स्मोक करता हूँ, स्मोक आउटपुट इज गुड, क्लाउड में और भी ज़्यादा आता है। इसमें मैंने ओपन फॉइल में पहली बार ट्राई किया क्योंकि मैं क्लाउड में काफ़ी बार पी चुका हूँ, मुझे देखना है कि जर्मन टबैकोज जो होते हैं वो ओपन फॉइल में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। डिसेंट है बट आई थिंक सो HMD में ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, फॉर सम रीज़न बिकॉज हीट मैनेजमेंट HMD का अलग होता है। HMD मतलब जो ले लो नागरानी बिगरानी ले लो या क्लाउड ले लो, क्लाउड में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और ओपन फॉइल में भी कर जाता है बट हल्का सा ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट HMD में अच्छा परफॉर्म करता है। टेस्ट प्रोफाइल की जो मैं बारे में जो कन्फ्यूजन के बारे में जो मैं बता रहा था, जब मैंने इसको स्टार्ट किया हल्का सा एक कड़वापन आया, बट नैट दैट कड़वापन इज़ लाइक, मुझे हमेशा लगता है कि जो जर्मन लोग हैं वो लेमन में थोड़ा सा केमिकल एंड वाला लेमन बनाते हैं, नॉट एग्जैक्टली द पोटेंट लेमन, नॉट एग्जैक्टली द रिचनेस ऑफ द मज़ा आया लेमन, वैसा नहीं है, बट है इसमें कड़वा एंड। ऑब्वियसली जो कड़वा एंड जो है वो स्टार्ट में बीच का आता है उसके, इन्होंने शायद बीच डाला है, दैट्स वाई कड़वा आ रहा है, बट पीछे से जो बैकग्राउंड नोट्स में जो मिक्स ऑफ फ्रूट्स सिट्रसी प्रॉपर आता है, सिट्रसी प्रॉपर है, ठंडा मोर देन एवरेज है, बहुत ठंडा नहीं है, इट्स नॉट वेरी वेरी कोल्ड बट इट इज़ अ लिटिल बिट मेंथॉल लाइक, थोड़ा बहुत ठंडा है एवरेज के थोड़ा ऊपर, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, समवेयर बिटवीन बहुत ठंडा एंड मीडियम ठंडा आई वुड से। लेट मी टेक अ ड्रैग, ओवर हीट नहीं होता है बट ओवर स्मोक आता है, मतलब स्मोक आपको इतना ज़्यादा आएगा अंदर कि आपको थ्रो आउट करने का बेसिकली मन करेगा, बट
अंडरस्टैंड कीजिए, बट जर्मन टबैकोज एंड ऑल थोड़ा ज़्यादा इन लोग ग्लिसरीन डालते हैं अपने टबैको में, तो ज़्यादा से हुकेन का आपने स्मोक देखा था कितना बढ़िया आता है, HMD में शायद मैंने ट्राई किया था उसको, बहुत ज़्यादा बढ़िया था, इसका भी बहुत बढ़िया आ रहा है। गुड मेंटोल, यहाँ पे जो कंट होता है हमारा, कंट में मतलब थ्रोट, थ्रोट में बहुत अच्छा वो बैठता है ठंडा और रह जाता है अच्छे खासे टाइम तक रह जाता है। इफ़ यू आर इनहेलिंग लाइक हुकबस, लाइक जो चेस्ट में एंड लंग्स में अच्छा इनहेल करता हूँ मैं, तो लंग्स यहाँ पे भी जो आपका ईओसोफेगस का जो पाइप है, विंड पाइप तो यहाँ पे होता है, ईओसोफेगस जो है वो भी काफ़ी अच्छा कूल होता है। तो मेंथॉल के मामले में बहुत अच्छा इन्होंने मीडियम लेवल रखा है, मीडियम से थोड़ा ऊपर बेसिकली, एंड बहुत अच्छा ठंडापन देता है। फ्लेवर प्रोफाइल मेरे दांत के जो अंदर साइड है, ये वाला साइड बहुत अच्छा वो फ्लेवर प्रोफाइल घूम रहा है, हल्का सा बिटर है, स्टार्ट में ज़्यादा बिटर रहता है बट ओवर द टाइम ये डिमिनिश हो जाता है, ओवर द टाइम लाइक आई वुड से हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ये पूरा डिमिनिश हो जाता है, एंड यू काइंड ऑफ एन्जॉय दिस टेस्ट विच कीप्स लाइक वो इट विच रिमेन्स इन योर माउथ। मतलब मैं एक्सप्लेन करने मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बट आई एक्सप्लेन यू को बस विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जो फ्लेवर है वो आपके मुंह में अंदर ऐसे ऊपर रह जाता है एंड इट स्टेज फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, नॉट डिमिनिशेस, कम नहीं हो जाता व्हेन यू एक्सहेल। लेट मी टेक अ ड्राइव। हार्ड पंच है, जर्मन है, हार्ड बनाते हैं सब कुछ। तो चलिए फिर, ये रहा मेरा शॉर्ट एंड स्वीट, मे बी लॉन्ग रिव्यू बट एक्सप्लेन करना जरूरी था, वरना होगा बस पे लोग डाउट करेंगे। ऑफ द होल्स्टर आइस फिंगर टबैको ब्रॉट बाय आईबाज। दूसरे भी फ्लेवर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, वो भी मैं मंगा के देखता हूँ, आ गया तो मंगाऊंगा ज़रूर एंड विल ट्राई, एंड इट्स डेफिनेटली अ गो टू फ्लेवर। आप पी सकते हो, समर्स में पी सकते हो, अच्छा खासा कूलेंट देता है, एंड कभी भी पी सकते हो फ्रेंड्स पार्टी में, व्हेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर वेरी वेरी सीरियस काइंड ऑफ स्मोकिंग यू कैन टेक दिस अप। पैकिंग में हल्का थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है बट एडवांस फ्लफ अगर अच्छे से करोगे, यू हैव टू लर्न द हुकबस मेथड ऑफ एडवांस फ्लफ, यू विल नॉट फेस एनी इशू इन फ्लेवर प्रोफाइल और स्मोक और बेसिकली या फिर बर्न वन नहीं आएगा। ब्लॉन्ड इसका जो है बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर, ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू, मैं तो अपना हुकर सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ एंड परसिस्टेंट फ्लेवर अराउंड द माउथ। आप भी अपना हुकर सेशन एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय हुकबस चैनल, और आपको बाय करना है तो आई बस हुका को पिंक कर दीजिए यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। मैं तो अपना हुकर सेशन एंजॉय कर रहा हूँ एंड हुकबस 10 को भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।